back to the channel. This is Abhinav. So इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अपनी पूरी जर्नी के बारे में फ्रॉम न्यूबी टू स्पेशलिस्ट इन कोडफोर्सेस। मैं इस वीडियो को तीन पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। तो पहले पार्ट में अपनी पूरी जर्नी के बारे में बात करूँगा कि कौन सी क्या बीच में दिक्कतें आई, क्या मुझे कुछ चैलेंज को फेस करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए। सेकेंड पार्ट में मैं बात करूँगा कौन से रिसोर्सेज मैंने फॉलो किए अभी तक जब मैं स्पेशलिस्ट हूँ। और थर्ड वीडियो के जो इस वीडियो का थर्ड सेगमेंट होगा उसमें मैं कुछ कॉमन डाउट्स के बारे में बताने वाला हूँगा जो कि स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं बहुत सारी वीडियोस में कमेंट करके, जो भी डिफरेंट तरीके के डाउट्स होते हैं। फाइन, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही बढ़िया होने वाली है वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज मैंने कब स्टार्ट किया। मैंने जो कोडिंग स्टार्ट की थी, जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट की थी, मैंने CodeChef से स्टार्ट किया था कॉम्पिटिटिव कोडिंग। और वो मैंने अपने फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें मेरे कॉलेज में एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था। मैंने पहली बार उस कॉन्टेस्ट में तब पार्ट लिया था। फाइन, सो इट्स अराउंड 9 to 10 मंथ्स कि मैंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्टार्ट किया है। बट स्टार्टिंग में जब मैं कॉन्टेस्ट दे रहा था तो इतना सीरियस होकर नहीं देते थे कॉन्टेस्ट। मतलब नॉर्मली पार्ट ले लिया, जितने क्वेश्चंस हो गए, इतना रेटिंग पे फोकस नहीं था, इतना सीरियस नहीं थे। बट जैसे जैसे आगे बढ़े, इतनी क्या इम्पोर्टेंस है कॉम्पिटिटिव कोडिंग की, क्या इम्पोर्टेंस है DSA की, ये सब जब पता लगने लगा तब थोड़ा और सीरियस हुआ इस बारे में। और मैंने जो सीरियस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की मैंने लगभग 5 से 6 महीने पहले, जो कि मैं CodeChef पे करता था। उसके बाद मैंने CodeForces धीरे धीरे स्टार्ट किया। और CodeForces स्टार्ट करने के बाद में कुछ 2 महीने ऐसे रहे कि मैं न्यूबी पे स्टक रहा, मतलब न्यूबी से पीपल नहीं बन पाया। और लगभग 2 से 3 महीने मैं प्यूपिल रहा हूँ। और अब फाइनली मैं अभी रिसेंटली 1 महीना होने वाला है मैं स्पेशलिस्ट बन चुका हूँ। सो बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे वीडियो बनाने के लिए, सो मैंने वीडियो बनाई है। पहली चीज़ आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक रेटिंग पे स्टक कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप न्यूबी हैं तो आप न्यूबी पे रह जाते हैं, आप पीपल हैं तो आप पीपल पे स्टक कर जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार डाउट पूछने को मिला है, देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, जो लोग भी ऐसा है कि एक पर्टिकुलर रेटिंग में आके स्टक हो गए, आप लोग क्या करें, अपने प्लेटफॉर्म्स को भी चेंज करने का ट्राई करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप CodeForces पे क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं, ऐसा मेरे साथ हुआ था। मेरा क्या हुआ, जब मैं पीपल में काफ़ी दिनों तक अटका रहा, मेरी रेटिंग नहीं बढ़ रही थी, वही 1300, 1350, 1400 के बीच में रहती थी। बट स्पेशलिस्ट नहीं हो पा रहे थे। सो फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़े दिनों के लिए CodeForces से ब्रेक लिया। ओके, और CodeForces से ब्रेक लेने के बाद में फिर मैंने LeetCode और जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बहुत ही अच्छे से प्लेटफॉर्म्स है, LeetCode है, GeeksforGeeks है, यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। यहाँ पर प्रैक्टिस आप जब करेंगे तो यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पर आपको आगे तो मैं पूरे रिसोर्सेज डिस्कस करने वाला हूँ, बट यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं। और आप एक तरीके से जो CodeForces के जो क्वेश्चन बेस है उससे थोड़ा सा अलग होता है LeetCode और GFG का। बट वो थोड़े से इजी भी होते हैं, थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली होते हैं, और थोड़े से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं अगर आप अभी बिगिन करें, अगर आप न्यूबी या पीपल हैं तो। सो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। वहाँ से मैंने बाइनरी सर्च से कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर एरेज और स्ट्रिंग के किए। सो दैट मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो नहीं क्लियर थे, जिसकी वजह से मैं नहीं बन पा रहा स्पेशलिस्ट, मैंने वो बेसिक कॉन्सेप्ट को वहाँ पर क्लियर किया। और उसके बाद धीरे धीरे मैं मेरी रेटिंग्स बढ़ी और फाइनली फिर मैं स्पेशलिस्ट तक रीच कर गया। और उसके बाद भी मेरी रेटिंग काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, सो वो तो होता रहता है। सो एंड फाइनली मैं अभी स्पेशलिस्ट हूँ। फाइन, सो अब अगर हम लोग बात करें तो अगला सेगमेंट है वीडियो का, वो है रिसोर्सेज, क्या रिसोर्सेज फॉलो करने चाहिए। सो देखो, पहले रिसोर्स मैंने आपको बताया अभी कि CodeForces और CodeChef पे तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, वो तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म्स, वहाँ तो आपको कॉन्टेस्ट देने हैं। द थिंग इज कि आपको रेगुलरली कंसिस्टेंसी रखनी, कंसिस्टेंट कॉन्टेस्ट देना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप CodeForces प्रोफाइल देखें तो आपने देखा होगा कि मतलब हर मंथ के जितने भी कॉन्टेस्ट हैं, अगर बीच में 1-2 कोई किसी वजह से नहीं हो पाया तो वो ठीक है, बट मैंने रेगुलरली कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है। और दैट इज़ व्हाट द रीज़न कि मैं भी स्पेशलिस्ट तक पहुंच पाया हूँ, दैट इज़ द कंसिस्टेंसी इन द कॉन्टेस्ट। जो रेगुलर मैंने कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया, इतने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं किया अगर देखा है मैंने CodeForces में, बट मैंने कॉन्टेस्ट में रेगुलरली पार्ट लिया। मैंने बाकी जगह पे थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए, जैसे LeetCode पे मैंने कुछ टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए, लगभग 100 to 110 क्वेश्चन मैंने LeetCode पे सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चन मैंने CodeChef पे सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चन मैंने GeeksforGeeks में सॉल्व किए। द थिंग इज कि नॉलेज आनी चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी चीज़ नहीं, नॉलेज आनी चाहिए। ओके, ऑब्वियसली बात है, अगर आप हार्डवर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स की, तो ऑब्वियसली बात है आपको रिजल्ट देगा, बट साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना होता है। ओके, सो मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लीड कोड से लगाया, कुछ क्वेश्चन मैंने GeeksforGeeks से लगाया, एंड ऐसे ऐसे करके जो मेरे जो वीक टॉपिक्स थे उन्हें मैंने स्ट्रॉन्ग किया। और अब आगे अगर हम लोग बात करें स्पेशलिस्ट का आगे एक्सपर्ट होना है या कैंडिडेट मास्टर होना है, उसके लिए मुझे DP आनी चाहिए, उसके लिए मुझे बिट मास्क और अच्छा आना चाहिए, और जो भी मेरे कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो उसके लिए हम लोग आगे काम कर रहे हैं, LeetCode पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा रहे हैं, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सो ये कुछ रिसोर्सेज हैं। अगर मैं बात करूँ वीडियो एडिटोरियल्स की, सो वीडियो एडिटोरियल्स में आपको बहुत ही अच्छे, जैसे कि FreeCodeCamp बहुत ही अच्छा चैनल है, GeeksforGeeks का खुद का चैनल है। अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स हैं, आप कोड हेल्प से जो लवबर्ड भैया की सीरीज़ चल लिया, वो भी देखो, वो सीरीज़ जो ऑन गोइंग है मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज एक तो वो ऑन गोइंग सीरीज़ है, वो बेसिकली CP के लिए नहीं है, वो आपकी कैंपस वो प्लेसमेंट वगैरह के लिए, इंटरव्यू के लिए वो सीरीज़। अगर मैं CP की बात करूँ तो स्ट्राइवर, ओके स्ट्राइवर सब लोग जानते हैं, ठीक है, तो राज भैया कि आप देख सकते हैं TakeUForward चैनल से, वहाँ से आप देख सकते हैं जो भी DP की या ग्राफ की सीरीज़ है उसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। बेसिकली CP के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट है उस चैनल पर। और बाकी आप DP के लिए आदित्य वर्मा की भी जो DP रिलेट्स उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जहाँ पर मैंने पढ़ा है, आपको बेसिकली खुद एक्सप्लोर करना है, किसी और की बातें नहीं सुननी है, ठीक है। अब आता है तीसरा, वो है कि किस तरीके से आपको जो बेसिक डाउट्स होते हैं जो बच्चों ने मुझसे पूछे, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो तो पहला डाउट जो बेसिकली स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे, वो ये होता है कि किस तरीके से मैनेज करते हैं बाकी चीज़ों को। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एग्जांपल ले लो, पूछते हैं आप यूट्यूब को कैसे मैनेज करते हैं, बाकी चीज़ें कॉलेज के साथ CP कैसे मैनेज करते हैं, राइट। सो पहली चीज़ ये आती है कि कॉलेज के साथ मुझे पता है कॉलेज साथ में बहुत ही कम टाइम मिलता है। सो देखिए, अगर आपको कॉलेज चल रहा है, फिलहाल देखिए ऑनलाइन है, अगर आपको कॉलेज चल रहा है तो उसके साथ में आप नॉर्मली अगर डेली रेगुलर कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हैं तो वो ही बहुत होता है। कॉलेज के साथ अगर आप सिर्फ रेगुलरली कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हैं तो वो भी बहुत होता है, उससे भी आपके डेली के 2 या 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो रहे हैं अगर आप कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हैं रेगुलरली, तो ठीक है। उसके अलावा जो सबसे मेजर चीज़ होती है वो होती है जो एक कंसिस्टेंसी है, जो एक फ्लो है, वो नहीं टूटना चाहिए कि आपका एक हफ्ते गैप हो गया, बीच में कोडिंग का या 5 दिन गैप हो गया, 1 दिन का गैप चलता है, 2 दिन का गैप चलता है, पर ज़्यादा लंबा गैप नहीं होना चाहिए। फिर अगर आप ज़्यादा लंबा गैप हो जाए तो फिर से वो फ्लो पकड़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो आप दिन में एक क्वेश्चन ही लगाएं, सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करें, पर डेली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है। ओके, सो इस तरीके से आपके कोई भी और एक्स्ट्रा डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उन्हें आंसर कर दूंगा, फाइन। सो ये था जो भी रिसोर्सेज मैंने भी बताया, उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ में आप मेरे लिंक्डइन मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ मैं जो भी डेली कोडिंग के रिगार्डिंग बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर मैं पोस्ट करा करता हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और मैंने भी जो भी बताया, जो ऐसे मैं स्पेशलिस्ट पहुँचा, मैंने पूरा ट्राई किया आपको समझाने का, और आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में बहुत सारे और भी अलर्ट्स कोर्स आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट।